हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गौरी क्राफ्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 5 और 6 नंबर के कान्हा जी के सूज बनाएंगे। तो मैं ये ड्रेस बनाई थी, इसके साथ की बनाऊंगी। देखो, मैंने ये ऐसे सीधी पट्टी से बनेंगे, बिल्कुल इसमें दिक्कत नहीं होती बनाने में, बहुत ही आसान है, बहुत सर्दी पड़ती है गाइस, तो आपको बनाने चाहिए ये। और हम अपने कान्हा जी को बनाएंगे, क्योंकि बहुत सर्दी लगती है, हमें लगती है, तो हम कान्हा जी को भी बना के बनाएंगे। और बहुत ईजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती, ये बिल्कुल सीधी पट्टी से बनते हैं। और इसको ऐसे जॉइंट कर देंगे तो हम ये ऐसे करके हमारी ये सूज की शेप आ जाएगी। चलो तो मैं बनाना शुरू करती हूँ। ये 5 और 6 नंबर के बहुत आसानी से आ जाते हैं सूज, और मैं ये बनाना शुरू करती हूँ। शुरू करने से पहले वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, बोलना राधे राधे, लिखना, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। चलो, मैंने ये लूप बना ली एक, और इसके अंदर हम एक चैन बनाएंगे, फिर एक चैन बनाई, फिर ये दो बनाई मैंने, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये देखो, 10 चैन बना ली मैंने। 10 चैन बनाने के बाद हमें फर्स्ट में छोड़ेंगी, और जो हमारी अगली है उसमें डाल के हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखो, मैं एक को छोड़ के अगले में सिंगल क्रोशिया एक बार किया, उससे अगले में मैंने फिर एक बार किया, उससे अगले में एक बार किया, फिर उससे अगले में मैंने एक बार किया। ये सभी में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। वो ये गाइस बहुत ही ईजी है, अगर आप बिगनर भी हैं तब भी आसानी से बना लेंगे, बस आपको क्रोशिया सिंगल और डबल क्रोशिया चलानी आती हो। बहुत ईजी है और बहुत ही अच्छी बनती है, फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। मैं बना के भी दिखाऊंगी अपने कान्हा जी को आपको, बहुत अच्छी फिटिंग आती है इनकी। ये देखो, मैं सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ, और ये हमारी लास्ट आ जाती है, तो इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर हम उसको ऐसे करके दूसरी साइड से ये देखो हमारी राउंड ये कंप्लीट हो गया। तो मैं यहाँ पर ये धागा को पकड़ लूँगी, एक चैन बनाऊँगी यहाँ, और ये अगली चैन में डाल के हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखो, एक बार किया, उससे अगली में एक बार किया, जैसे हमने नीचे किया था सेम हमें वही पैटर्न इसमें भी करना है। हर एक में हम एक एक बार करेंगे सिंगल क्रोशिया। ये देखो, मैं हर एक में एक एक बार ही कर रही हूँ। अगर आपको छोटे नंबर के कान्हा जी के चाहिए, किसी को बनाने हो, तो कमेंट में लिखना, फिर मैं छोटे नंबर के कान्हा जी की बना के बताऊंगी। ये देखो, हर एक में एक एक बार। अरे अम्मी जी, लास्ट में आएंगे तो हमारी जो एक की चेन बनाई है उसमें भी हमें डाल के बुनना है, वो छोड़ना नहीं है। ये देखो, मैं लास्ट में जहाँ आई हूँ ये भी बुनना है। फिर हम इधर आ जाएंगे, अब हमारा थर्ड राउंड हो गया, तो मैं इसमें भी जैसे हमने 2 राउंड कंप्लीट कर किए थे, ये भी ऐसे ही कर लेती हूँ। हर एक में एक एक बार। ये बहुत ही ईजी है गाइस बनाना। ये देखो, आप रेसिबली ऊन मत यूज करिए, रेसिबली में हमने हमारी ये फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती है और अच्छे भी नहीं लगते हैं। जो बिना रेसे की ऊन आती है वो आप यूज करिए। ये देखो, हमारे 3 राउंड ये बन के कम्प्लीट हो गए हैं। सिंगल क्रोशिया मैंने एक एक बार किया है। मैं यहाँ आती हूँ तो हमने एक चैन बनानी है, उसके बाद ये फर्स्ट में डाल के एक बार, उससे अगले में 2 बार, उससे अगले में 3 बार,
मैंने 3 बार सिंगल क्रोशिया किया है। ध्यान से देखिएगा ये रो आप, उसके बाद मैं बताती हूँ। ये देखिए 1 2 3 चैन को मिला के 3 है मेरे, यहाँ एक चैन होगी, उसके बाद एक, उसके बाद एक, एक एक बार किया है 3 बार 3 में, और ये हमारा चौथा है सिंगल क्रोशिया। तो इसमें हम 2 बार करेंगे, यही मैंने 1 बार किया और यही मैं दूसरी बार भी कर रही हूँ, और फिर अगले में भी हम 2 बार करेंगे, 1 बार इसी में मैं 2 बार, फिर उससे अगले में 1 बार, और फिर यही सेम 2 बार, फिर उससे हमारी थर्ड हो गई 1 2 3 3 में मैंने किया और ये हमारा चौथा है, तो इसमें भी 2 2 बार, 4 में हम 2 2 बार करेंगे और 3 में, इधर हमारे 3 थे, देखो मैं दिखा देती हूँ, इधर 3 थे और देखो मैंने 4 में किया है 1 2 3 और ये 4, 4 में मैंने 2 2 बार किया। अब यहाँ 3 हमारे बच्चे हैं तो इसमें हम 1 1 बार करेंगे, ये मैंने 1 बार किया, उससे अगले में 1 बार किया और उससे अगले में 1 बार किया, ये हमारा पूरा राउंड देखो ऐसे ही कंप्लीट हो गया है। आगे बताते हैं, अब हम इधर आते हैं, ये पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद तो हमने एक चैन बना ली, एक चैन बनाने के बाद फिर हम फर्स्ट में डाल के सिंगल क्रोशिया करेंगे, ध्यान से देखिएगा ये देखो, और फिर उससे अगली में 1 बार, कितना आसान है ये बनाना, उससे अगली में 1 बार, ये देखो उससे अगली में, एक एक बार कर रही हूँ मैं, ये हमें सारा राउंड पूरा ऐसे ही कंप्लीट करना है, सारे एक चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है, ये पूरा कंप्लीट कर लीजिए। देखो ये हमारा बन के कम्प्लीट है, तो ये हमारे 4 राउंड हो गए, 3 हो गए थे 1 2 3 और ये 4, फिर मैं यहाँ एक चैन बनाऊँगी, और ये फर्स्ट में डाल के हमने 1 बार सिंगल क्रोशिया, अगले में 2 बार, चैन को मिला के हमारे 3 बार हो गए, और ये 4 बार और ये 5 बार, 5 बार में हमने एक एक बार किया, ध्यान से देखिएगा एक एक बार किया 5 में, और फिर देखिए इसमें मैं 2 बार करूँगी, 1 बार और फिर सेम यही 2 बार, फिर अगले में 2 बार, 1 बार और फिर यही दूसरी बार किया, और फिर यहाँ 1 बार और फिर यहाँ सेम चेन में दूसरी बार, ये देखिए पहले मैंने 1 2 3 4 और ये 5 में एक एक बार किया 5 में, और 1 2 3 में 2 2 बार हो गया, और ये चौथा है हमारा, तो इसमें भी मैं 2 बार करूँगी, चौथे में 2 बार, 1 बार किया और यही दूसरी बार किया, देखो 4 में हमारे हो गए एक बार, ये देखो 5 मैंने इधर किए थे और 1 2 3 4, 4 में मैंने 2 2 बार किए हैं सिंगल क्रोशिया, और इधर में, इधर भी हम 5 बार करेंगे सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया, और ये 4 बार और ये 5 बार हो गया हमारा, ये हमारा 5 बार हो गया, ये देखो बनके ये कुछ इस तरीके का बनेगा। फिर हम इधर आते हैं, फिर मैंने एक चैन बनाई है, एक चैन बनाने के बाद अगले में डाल के 1 बार सिंगल क्रोशिया, उससे अगले में 1 बार, उससे अगले में 1 बार, एक एक बार कर रही हूँ मैं, ये देखो इसमें एक एक बार कर रही हूँ, इस राउंड में हमें कहीं कम ज़्यादा नहीं करना है, जितने हमारे थे उसके ऊपर मैं उतने ही कर रही हूँ, उतने ही, इसमें बढ़ाना नहीं है, इसमें हम हर एक के ऊपर एक एक बार डबल सिंगल क्रोशिया करेंगे, सारे राउंड में ऐसे कंप्लीट कर रही हूँ। फिर इसके बाद हमारा लास्ट राउंड है,
फिर मैं वो भी दिखा देती हूँ, फिर इसको हमें स्टिच करेंगे। ये देखो मैंने ये राउंड भी कंप्लीट करे, हर एक में एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है इस राउंड में हमें। देखो ये यहाँ तक ये छोड़ना नहीं है, जो हमारी लास्ट में चैन आती है इसमें भी मैं एक एक बार कर रही हूँ, कुछ इस तरीके का हमारा है। ये देखो मैंने एक एक बार कर लिया था, ये यहाँ बढ़ाने के बाद एक बार ये कर लिया, तो हमारे ये सिक्स्थ राउंड है, ये सेवन्थ में आ गए हम। तो यहाँ मैं, अगर आप देख लीजिए, अगर आपकी मून थोड़ी पतली लीजिए, अगर ज़्यादा मोटी है, आपको ऐसे करके दिख रहा है कि हमारा कंप्लीट हो गया, ज़्यादा मोटी ऊन है, तो ये वाला राउंड मत कीजिए, यहीं स्टॉप कर दीजिए, फिर सिल लीजिए अगर आपको सही लग रहा है तो, ना ये राउंड भी कंप्लीट कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। ये हर एक में डाल के एक एक बार करेंगे, सारे राउंड में ऐसे ही करती हूँ। ये देखो, चलो मैं ये भी राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, हर एक में एक एक बार, इसमें बढ़ाना नहीं है कहीं भी, हमें सारे के ऊपर एक एक बार करना है सिंगल क्रोशिया। चलो मैं कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। ये देखो हमारा बनके पूरा कंप्लीट है, ये कुछ इस तरीके का है। जब मैं सिलूँगी इसको तो ये अभी बताऊँगी सिलना, स्टिच करके हमारा ये बनके तैयार हो गया। चलो मैं सिलना बताती हूँ। ये देखो हमारा बनके कंप्लीट है, अब मैं सिलना सिखाऊँगी आपको। तो ये जिधर आपको सीधा लगे उधर ऐसे करके सीधा वाला अंदर कर लीजिए, ये ऐसे करके, फिर ये यहाँ से ऊपर से सिलेंगे हम। तो हमारी ये जो दो हैं, ये चेन है उसकी मैं दिखा देती हूँ, ये इसकी चेन और ये ऊपर वाले की चेन को लेके ऐसे करके, फिर अगले वाले की ये ऐसे करके, ये देखो मैं इसमें ऐसे किया, फिर दिखा देती हूँ। ये जो हमारी दो चेन है, ये दो चेन इसकी लेनी है और ये दो लेनी है, और इनको आपस में ऐसे मिला देना है। नीचे का हिस्सा हम पहले सिल लेंगे। ये देखो ये फिर मैंने इधर करा और ये फिर अगले वाले में किया, ये दो 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 इसकी और दो नीचे वाले की, फिर ये दो और इसकी दो, ऐसे करके, और ये ऐसे, ये पूरा राउंड हम ऐसे ही सिल देंगे। ये देखो हमने लास्ट में आ गया, ये ऐसे करके, ये देखो ये हमारा ऊपर नीचे का जो था वो सिल चुका है। अब हम इस धागे को कट नहीं करेंगे, इसमें ये इधर इस निकाल के हम उस साइड ले जाएंगे इसको, इसमें से ऐसे करके ये जो हमने स्टिच किया है उस धागे में से ही निकाल के इधर ले जाएंगे, ऐसे करके, तो हमारा धागा इधर आ जाएगा, कट नहीं करेंगे हम। अब हमें ये साइड सिलनी है जो ऊपर की थी, ये हम नीचे का सिल चुके हैं और ये हम ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ से देखो ये ऐसे, ये इधर किया, फिर अगला वाला ऐसे किया, फिर उससे अगला ऐसे किया। अब आप इसको थोड़ा सिल के ना सीधा कर लीजिए, फिर ये दिक्कत होगी सीधा करने में, तो जितना आपको लगे कि सीधा हो सकता है उतना थोड़ा सा मैं और सिल लेती हूँ, फिर इसको सीधा कर लेती हूँ, फिर सीधा करके हम सिलेंगे, वरना ये सीधा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। ये देखिए मैंने ये दो तीन जो हमने बनाए थे राउंड, ये मैंने छोड़ दिए हैं, अब हम इसको सीधा कर लेंगे, सीधा करके फिर सिलेंगे। तीन राउंड छोड़ दीजिए जो हमने एक एक बार सिंगल क्रोशिया किया, उसके बाद हम सिलना शुरू कर देंगे। तो देखिए ये मैंने सीधा कर लिया, ये कुछ इस तरीके का हमारा बूट बनके तैयार होगा, कितना प्यारा लग रहा है। अब ये हम इसको धागे को सीधी साइड ले आएंगे इसको, अब ये ध्यान से देखिएगा आप, ऐसे हम इसको दोनों को इकट्ठा करेंगे, यहाँ यह इकट्ठा करके, ये देखो फिर हम एक बार इधर से लेंगे ये ऐसे करके, और एक बार इधर से लेंगे ऐसे करके, और इसको ऐसे सिल देंगे, फिर एक बार इधर से लेंगे ये ऐसे करके,
फिर मैं दिखा देती हूँ। एक बार इधर से लेंगे, इसमें धागे में डाल के ऊपर की साइड खींचेंगे ऐसे। ये हमारा सिल्क तैयार हो जाएगा। ये देखो मैं एंड तक आ गई हूँ और इसको हम ऐसे जॉइंट कर देंगे। यहाँ मैंने जॉइंट कर दिया, ये अच्छी तरह कर देंगे हम। ये देखो हमारा पूरा सिल गया। और थोड़ा नीचे ला के इसमें कट कर दीजिए ताकि ये दिखे नहीं धागा हमें। ये इसके अंदर ला के थोड़ा नीचे इसके अंदर नॉट लगा के कट कर दीजिए ऐसे करके। अभी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखो कितना बनाना ही आसान था। ये हमारा धागा थोड़ा सा रह गया था खींचने में। ये देखो हमारे बनके कंप्लीट है। मैंने दोनों ये बना लिए हैं। देखो कितनी सुंदर लग रही हैं और इनकी फिटिंग भी बहुत अच्छी है। अभी मैं बना के दिखाती हूँ कान्हा जी। ये हमारे 5 नंबर के कान्हा जी हैं। देखो मैंने ये वाले सूज बनाए थे, ये भी ऐसे ही हैं सेम। ये देखो, और ये सर्दी बहुत पड़ रही है तो ये मैं बना के रखती हूँ। और ये ऐसे डालेंगे हम, एक हाथ से बना रही हूँ तो। ये देखो, ये थोड़ी पजामी ऊपर कर लेती हूँ। फिटिंग बहुत ही अच्छी है। ये 6 नंबर को भी आ जाएंगे, इतने ये ढीले हैं। और 5 नंबर को थोड़ी ऊपर तक ऐसे रहेंगे। देखो ये देखो मैंने बना ली, कितनी अच्छी फिटिंग है। देखो गाइस ये मैंने बना ली है, कितने सुंदर लग रहे हैं ये। ये देखो मैं दिखा देती हूँ। ये देखो फिटिंग भी बहुत अच्छी है और ऊपर तक कवर है। नीचे तक नहीं बनाए मैंने, ऊपर तक बनाए हैं तो ठंड भी नहीं लगती खाना जी को। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। और हरे कृष्ण, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।